हेलो एंड वेलकम टू GMax Studios Hindi, एक ऐसा चैनल जहां पे हम बात करेंगे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और वीडियो के बारे में, और वो भी हिंदी में। मेरा नाम है गोर्की एम, और आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक तस्वीर बनती कैसे है। कोई भी कैमरा हो, छोटा या बड़ा, उसके दो हिस्से होते हैं, एक लेंस और एक कैमरा बॉडी। लेंस में एक छोटा सा छेद होता है जिसे अपर्चर कहा जाता है, और कैमरा बॉडी में एक पर्दे जैसा हिस्सा होता है जिसे शटर कहते हैं। अब होता यूं है कि जब हम तस्वीर लेने के लिए शटर रिलीज बटन दबाते हैं तो लाइट अपर्चर के जरिए कैमरा बॉडी में दाखिल होती है। पल भर के लिए शटर खुलता है और इमेज या फोटोग्राफ सेंसर पे छप जाती है। अगर अंदर आने वाली लाइट बहुत ज्यादा होती है तो हमारी फोटोग्राफ ब्राइट या ओवर एक्सपोज्ड होगी। अगर अंदर आने वाली लाइट कम है तो हमारी फोटो डार्क या अंडर एक्सपोज्ड होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कैमरा के अंदर आने वाली लाइट एकदम सही हो। ये होता कैसे है, ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। हिंदी में फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और वीडियो के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल GMax Studios हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे मेन चैनल GMax Studios को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। अगले वीडियो तक बाय।